हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पांच रैंडम फन फैक्ट जानने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, बर्फ, जिसे हम स्नो भी कहते हैं। तो स्कॉटलैंड में बर्फ के लिए 421 अलग अलग वर्ड्स हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फीफल, क्रम्प, स्नीज और भी बहुत सारी। एक एनिमल है अर्मेडिलो, उसका जो सेल है वो बुलेट प्रूफ है। एक बार टेक्सास के रहने वाले एक आदमी ने आर्मेडिलो पर गन चलाया तो जो बुलेट है वो रिफ्लेक्ट करके उसी आदमी के जॉ पर लग गई और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? ये जो वर्ड है इसमें 1,89,819 लेटर्स हैं। इसे पूरा पढ़ने के लिए 3.5 घंटे लग सकते हैं, इसीलिए हम इसे यहाँ प्रनाउंस नहीं कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वर्ड के पीडीएफ को दे दूँगा। जब हैंड वॉच नहीं बना था तब लोग एक छोटे से घड़ी को हाथ में लेके ट्रैवल किया करते थे। तब क्लॉथ इंडस्ट्री ने जीन्स में एक छोटा पॉकेट छोटे घड़ी के लिए बनाया था। तब से लोग इस छोटे घड़ी को पॉकेट वॉच कहते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है सोते वक्त आपका जो माइंड है वो छोटा हो जाता है? 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के रिसर्चर्स ने रिसर्च किया कि सोते वक्त हमारे ब्रेन में क्या होता है। यह एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर किया गया था। ये दो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने देखा कि हमारा माइंड सोने के कुछ घंटों बाद 18% छोटा हो जाता है। यह कोई डरने की बात नहीं है, यह आपको कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में मदद करता है। मतलब यह थिंकिंग स्किल, रिमेंबरिंग स्किल, नोइंग स्किल, जजिंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। थैंक यू।